कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ अकबर बीरबल का एक मजेदार किस्सा जिसका नाम है बिना काटे ही छोटा करना। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वो बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गए कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बिना सर पैर का सवाल था, जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा सा बांस लेके जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वो बांस अपने दाएं हाथ में दे लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा अपने बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर अब देखें इस टुकड़े को, हो गया ना बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वो टुकड़ा छोटा दिखने लगा था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे बीरबल की चतुराई को देखकर। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।